इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पार्टिकल का वेलोसिटी यानी वेग, एक्सेलरेशन यानी त्वरण हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स वाई जेड होते हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं आर, थीटा एंड फाई। अब जो हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल का, वो इसी कोऑर्डिनेट में निकालना है, आर थीटा फाई में। ये डायग्राम आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया जा चुका है, जब मैं आप लोगों को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा रहा था तो वहाँ पे ये पूरा समझाया जा चुका है। इस सेगमेंट में, स्पेशली इस टॉपिक में, इस डायग्राम का कोई खास आवश्यकता नहीं है, पर जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगा मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा डायग्राम पर आके। चलिए फिलहाल हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, याद रखिएगा, हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है किसी भी पार्टिकल का। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले पार्टिकल का क्या चाहिए होता है, पोजिशन वैक्टर या लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर इस स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर निकाल लें तो उसी के टाइम के साथ में अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई और z इज इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आप लोग जानते हैं। और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा फाई और बेसिस वेक्टर्स यानी यूनिट वेक्टर्स होते हैं आर कैप थीटा कैप फाई कैप और एलिमेंट्री लेंथ इन आर कैप डायरेक्शन। आर कैप के डायरेक्शन में एलिमेंट्री लेंथ डी आर होता है, थीटा कैप के डायरेक्शन में होता है आर इंटू डी थीटा और फाई कैप के डायरेक्शन में होता है आर साइन थीटा इंटू डी फाई। ये आप लोगों को अब तक याद हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं डिटेल में इसको नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा टॉपिक है। ये सब टॉपिक सारे आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में कराए जा चुके हैं। बेसिस वेक्टर्स हो गया, एलिमेंट्री लेंथ, एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री वॉल्यूम, ये सब कैसे निकालते हैं सब बताया जा चुका है। आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिए। अगर वो वीडियो आपको खोजने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे पूरे कोर्स का यूनिट वाइज लिंक दिया गया है। ठीक, प्लेलिस्ट में भी डायरेक्ट जाके आप लोग चेक कर सकते हैं वो सारे लेक्चर्स। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखा जाता है। आर कैप के डायरेक्शन में एलिमेंट्री लेंथ डी आर था तो डी आर इंटू आर कैप, थीटा कैप के डायरेक्शन में आर इंटू डी थीटा थीटा कैप प्लस फाई के डायरेक्शन में आर साइन थीटा डी फाई इंटू फाई कैप। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। आपको पता है ना क्यों हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना रहे हैं, जब तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं बनाएंगे तब तक हम उसके वेलोसिटी तक कैसे पहुंचेंगे, समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट जैसे अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो यहाँ ओरिजिन ओ से लेके इस पार्टिकल तक का ये आर है, ये आर पोजीशन वेक्टर है। अब इसी आर के डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आर कैप मिलेगा और इसका दूसरा कोऑर्डिनेट जेड एक्सिस के साथ जो एंगल होता है ये थीटा। अब थीटा के डायरेक्शन में इधर आएंगे तो इधर थीटा कैप मिलेगा। अब आर कैप और थीटा कैप दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। अब यहाँ पे बचा फाई कैप। फाई क्या होता है, जब ये पी का प्रोजेक्शन यहाँ पे क्यू पे लेंगे तो ये क्यू जो है, ये क्यू पॉइंट को आप ओ से मिलाइए, फिर ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो होता है फाई। तो आर थीटा फाई तो समझ में आ गया। और फाई के ही डायरेक्शन में इधर जाएंगे तो ये फाई कैप मिलेगा। अब इस फाई कैप को उठा के तीनों यूनिट वेक्टर को एक पास लाइए तो देखिए यहाँ आर कैप, ये थीटा कैप और ये फाई कैप, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो आर के ही डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा डी आर। थीटा के ही डायरेक्शन में इधर बढ़ेंगे थोड़ा सा तो क्या मिलेगा, आर इंटू डी थीटा। फाई के डायरेक्शन में आर साइन थीटा इंटू डी फाई। तीनों के डायरेक्शन में अलग अलग मिल गया तो हम क्या करेंगे, पूरा डिस्प्लेसमेंट पाने के लिए हम इन तीनों को जोड़ देंगे। क्लियर हुआ। अब हमें चाहिए वेलोसिटी, तो एक काम करिए इसको हम लोग डी टी से डिवाइड कर देते हैं। तो डी एस बाई डी टी इक्वल टू डी आर बाई डी टी आर कैप, आर डी थीटा बाई डी टी थीटा कैप, आर साइन थीटा डी फाई बाई डी टी फाई कैप। अब आप लोग यही डी एस बाई डी टी, यानी यही तो होता है वेलोसिटी, जब डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ चेंज हो तो वेलोसिटी का जन्म होता है। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी निकल गया हमारा वी वेक्टर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे एक बार अगर हम टाइम के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे डी आर बाई डी टी तो हम लोग इसको लिखेंगे आर डॉट, एक बार डॉट, क्लियर हो गया ना। दो बार अगर डिफ्रेंशिएट करते डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर तो यहाँ आर डबल डॉट लिखते हैं। ठीक, तो ये कन्वेंशन होता है इक्वेशंस को सिंपल लिखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमने r डॉट लिख दिया, r डॉट इंटू आर कैप प्लस r, अब यहाँ d थीटा बाई डी टी है तो ये थीटा डॉट हो जाएगा, तो r थीटा डॉट इंटू थीटा कैप प्लस यहाँ पे r साइन थीटा इंटू ये d फाई बाई डी टी है। ठीक है,
तो ये डी फाई बाई डी टी है, तो यहाँ पे हम लोग इसको फाई डॉट लिख देंगे एंड यहाँ पे फाई कैप। तो ये वेलोसिटी का तो इक्वेशन आ गया, बट अभी क्या है कि इसको हमें ये देख पा रहे हैं आप लोग, इसको हम लोग कंपोनेंट्स के फॉर्म में अलग अलग रिजॉल्व करके लिखेंगे। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं वेलोसिटी को लिखना चाहूँ अलग अलग कंपोनेंट में, तो समथिंग हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वी वेक्टर इक्वल टू वी आर आर कैप प्लस वी थीटा थीटा कैप प्लस वी फाई फाई कैप। अभी इस इक्वेशन को तुलना करिए, तो ये आर कैप का जो कॉम्पोनेंट होगा वो हो जाएगा वी आर, थीटा कैप का यहाँ पर जो कोफिशियंट होगा वो हो जाएगा वी थीटा, इसी प्रकार ये फाई कैप का ये जो यहाँ पे कोफिशियंट हो जाएगा वी फाई। तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे हमें ये तीनों वेलोसिटी के कंपोनेंट मिल जाएंगे, वी आर इक्वल टू आर डॉट डी आर बाई डी टी, इसी प्रकार वी थीटा इक्वल टू आर इंटू डी थीटा बाई डी टी एंड वी फाई इक्वल टू आर साइन थीटा डी फाई बाई डी टी। ये तीनों हमें कंपोनेंट मिल गए क्योंकि एग्जाम में पूछता है। अच्छा, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी का, टोटल वेलोसिटी। तो आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, ये अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वी थीटा स्क्वायर प्लस वी फाई स्क्वायर हो जाएगा। तो वेलोसिटी का तो काम खत्म हो गया, अब आ गए हैं हम लोग एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जब डिस्प्लेसमेंट या यूं कह लीजिए दूरी जब टाइम के साथ चेंज होता है तो चाल या वेलोसिटी का जन्म होता है, ठीक है, स्पीड अथवा वेलोसिटी का जन्म होता है। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो तो एक्सेलरेशन का जन्म होता है। समझ में आया, फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो तो वेलोसिटी का जन्म होता है, ये डी एस बाई डी टी, ये वेलोसिटी। बट अगर वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज हो तो dv बाई dt किसका जन्म होता है, एक्सेलरेशन का जन्म होता है। तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन है, हम लोग इसको टाइम के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एक्सेलरेशन, यानी उसी इक्वेशन का हमें डेरिवेटिव निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ए वेक्टर इक्वल टू dv बाई dt, v का ये हमने वैल्यू रख दिया, ठीक, वैल्यू हमने रख दिया। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, काफ़ी लंबा इक्वेशन आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जब पहला टर्म डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डबल फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा, बट यहाँ पे तीन फंक्शन है, आर डी थीटा बाई डी टी और थीटा कैप। तो हमें ये पहले आर को अलग कर लेंगे और डी थीटा बाई डी टी इंटू थीटा कैप को एक साथ लेंगे क्योंकि हमें डबल फंक्शन, और यहाँ पे चार फंक्शन है, आर साइन थीटा डी फाई बाई डी टी फाई कैप। तो दो दो का हम लोग पेयर बना के डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक एक देखिए, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, सबसे पहले ये इतने पार्ट को डिफ्रेंशिएट करें। तो पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन एज वेल एज आर कैप प्लस फर्स्ट फंक्शन एज वेल एज डी आर बाई डी टी सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन डी आर कैप बाई डी टी। तो ये पहला वाला यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं ये दूसरे टर्म पे। अब देखिए, इसमें पहले ये r है तो इसको r को डिफ्रेंशिएट करिए dr आर बाई डी टी, और ये दोनों एज वेल एज लिख दीजिए d थीटा बाई डी टी इंटू थीटा कैप। अब r को एज वेल एज रहने दीजिए, अब हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें फिर से डबल फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि d थीटा बाई डी टी और ये थीटा कैप है और r का गुणा दोनों में होगा। तो अब यहाँ से हम लोग ये देखिए, यहाँ से अब हम लोग इन दोनों का करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे r का गुणा तो दोनों में होगा, तो यहाँ भी r है यहाँ भी r है, r को भूल जाइए। तो अब d थीटा बाई डी टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर इंटू थीटा कैप प्लस, अब यहाँ पे अब ये d थीटा बाई डी टी एज वेल एज रहेगा और ये थीटा कैप का डिफ्रेंशिएशन d थीटा कैप बाई डी टी। समझ में आया? अब बचा ये वाला, इसमें भी यही लगेगा, जब पहले ये दोनों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे r साइन थीटा का, तो अगेन इसमें डबल फंक्शन का फॉर्मूला लगाइए। तो r का डिफ्रेंशिएशन डी आर बाई डी टी और साइन थीटा को एज वेल एज रखिए, और इसके साथ इनका गुणा तो होता ही रहेगा, तो d फाई बाई डी टी और फाई कैप ये एज वेल एज इसी तरह रहेगा प्लस, अब r का डिफ्रेंशिएशन तो कर दिए थे, अब साइन थीटा का हो जाएगा तो r इंटू कॉस थीटा, और ये दोनों तो इसके साथ, और ये एक बार r इंटू कॉस थीटा, फिर थीटा का डिफ्रेंशिएशन d थीटा बाई डी टी क्योंकि टाइम के सापेक्ष में आप लोग कर रहे हैं प्लस, प्लस नहीं, और ये मल्टीप्लीकेशन में ये d फाई बाई डी टी इंटू फाई कैप ये तो लगा ही रहेगा प्लस। अब देखिए, ये पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, अब दूसरे फंक्शन का करेंगे d फाई बाई डी टी फाई कैप का, तो r साइन थीटा का दोनों में यहाँ पे गुणा होगा, यहाँ पे भी देखिए गुणा हुआ है, r साइन थीटा का देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी ये गुणा हुआ पड़ा है, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे केवल और केवल आप इसको देखिए d फाई बाई डी टी और फाई कैप का, तो पहले d टू फाई बाई डी टी स्क्वायर इंटू फाई कैप और यहाँ पे d फाई बाई डी टी इंटू d फाई कैप बाई डी टी, बाकी ये r साइन थीटा दोनों जगह पे। आप समझ पा रहे हैं ना कैसे किया जा रहा है? तो इस प्रकार से ये एक बड़ा सा इक्वेशन मिला, इसको इक्वेशन कुछ मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन में
जो जो बेसिस वेक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए डी आर कैप बाई डी टी इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, डी थीटा कैप बाई डी टी इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे डी फाई कैप बाई डी टी इनकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मतलब हमें आर कैप निकालना पड़ेगा, थीटा कैप निकालना पड़ेगा, फाई कैप निकालना पड़ेगा, और इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करके इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, नाउ वी हैव टू फाइंड डी आर कैप बाई डी टी, डी थीटा कैप बाई डी टी, डी फाई कैप बाई डी टी। तो इसके लिए सबसे पहले इसका हम पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, फिगर में जाने की भी जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कोई भी अगर पोजीशन वेक्टर बनता है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ऐसे बनता है। एक्स वाई जेड का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आप लोग जानते हैं, एक्स बराबर क्या आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। सीधे बना लीजिए, आर को कॉमन लीजिए, यहाँ पे आर वेक्टर बटे आर करिए, और किसी भी वेक्टर में अगर उसी के मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं तो यूनिट वेक्टर बन जाता है उसी के डायरेक्शन में। तो आर कैप का वैल्यू ये आ गया, इक्वेशन नंबर 4। समझ में आया? अब हमें तो चाहिए dr cap by dt, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए टाइम के सापेक्ष में। तो चलिए i cap, ये डबल फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा, ये इतना आएगा। आप लोग इसको आराम से डिफरेंशिएट करिए, जैसे sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, फिर थीटा का भी डिफरेंशिएशन होगा d थीटा by dt, और ये cos phi as well as, फिर प्लस, हालांकि बीच में प्लस ही रहा होगा, फिर दूसरे फंक्शन यानी हमें sin थीटा as well as रखना है, फिर cos phi का डिफरेंशिएशन sin phi कॉस का नहीं माइनस साइन फाई, और फाई का डिफरेंशिएशन डी फाई बाई डी टी। समझ में आया? तो ये जो पहले ब्रैकेट में आप देख रहे हैं ये केवल और केवल इतने का डिफरेंशिएशन है। इसी प्रकार जे कैप, ये दूसरे ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा इसका डिफरेंशिएशन है, और ये लास्ट में कॉस थीटा का सिंपल साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी, सॉरी माइनस साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। तो डिफरेंशिएट आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अब देख पा रहे होंगे एक इक्वेशन हमको मिल गया, ये देखिए डी आर कैप बाई डी टी इक्वल टू ये डी थीटा बाई डी टी, ये कॉमन ले लीजिए इतना आएगा, फिर इधर ये आएगा इतना। तो एक चीज़ आपको पता चला कि जैसे ही हम लोग ये कॉमन ले रहे हैं तो ये जो पार्ट बचा है, देखिए ये वाला पार्ट एक्चुअल में ये तो थीटा कैप ही है। आप लोगों को जब बेसिस वेक्टर वाला लेक्चर पढ़ाया गया था तो बेसिस वेक्टर वाले लेक्चर में जाके देखिए, ये थीटा कैप है और ये क्या है, ये है फाई कैप। तो हमें एक छोटा सा इक्वेशन मिल गया कि डी आर कैप बाई डी टी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी थीटा कैप प्लस डी फाई बाई डी टी साइन थीटा इंटू फाई कैप। क्लियर हुआ? यहाँ पे मैं आपको ये लिख भी दिया हूँ, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में आप डिराइव इसको अलग से करने बैठेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, अब हमको चाहिए थीटा कैप। तो आप जानते हैं कि जो आर कैप होता है और थीटा कैप होता है दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर इसी आर कैप के इक्वेशन में यहाँ पे आ जाइए, ये वाला इक्वेशन इक्वेशन 4 में, इसी आर कैप के इक्वेशन में अगर थीटा को आप 90 प्लस थीटा से रिप्लेस कर देंगे केवल थीटा को, तो ये आर कैप के जगह किसका इक्वेशन बन जाएगा, थीटा कैप का। तो बस हम लोग यही करने वाले हैं कि हम लोग इस उस इक्वेशन में देखिए थीटा को 90 प्लस, जहाँ जहाँ थीटा वहाँ 90 प्लस थीटा लिख दीजिए, और वहाँ पर अब आर कैप न लिख के इसको थीटा कैप लिखिएगा, ठीक है। आर कैप और थीटा कैप इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये थीटा कैप का यहाँ पे ये हमको इक्वेशन मिल गया, पर हमको तो चाहिए डी थीटा कैप बाई डी टी। तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करिए, अब आप लोग बैठ के आराम से करिएगा, इसका डिफरेंशिएशन इसका और इन सभी का डिफरेंशिएशन होगा। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको एक इक्वेशन मिलेगा। फिर यहाँ पे समथिंग कुछ फैक्टर कॉमन लीजिए, जैसे यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी कॉमन लीजिए तो ये जो इतना बचा, और फिर यहाँ पे डी फाई बाई डी टी ये इतना बचा, तो आप पाएंगे कि ये जो बचा है यही तो है आर कैप। माइनस कॉमन ले लेंगे तो पता चलेगा ये आर कैप है और ये चीज़ क्या है, ये है फाई कैप। तो फिर ये इक्वेशन अगेन आपको छोटा यहाँ पे मिल जाएगा, डी फाई कैप डी थीटा कैप बाई डी टी इक्वल टू दिस इक्वेशन, इक्वेशन 7। अब हमको चाहिए फाई कैप। तो फाई कैप तो आपको याद ही होना चाहिए, फाई कैप याद कर लीजिएगा, ये इतना होता है, ठीक है। अब अभी पीछे ऊपर भी बताए थे, देखिए ये जो यहाँ पे आया ये भी फाई कैप ही है। फाई कैप बना भी सकते हैं डायग्राम से, बट उसके लिए आपको एडिशनल 10 स्टेप करने पड़ेंगे, ये सब आप लोग को पढ़ाया जा चुका है बेसिस वेक्टर वाले में। तो यहाँ पे ये फाई कैप लिख दीजिएगा, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी फाई कैप बाई डी टी, तो ये एक इक्वेशन आया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए तो देखिए यहाँ पे क्या मिल के आएगा, डी फाई कैप बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे ये एक फैक्टर मिला। अब यहाँ पे हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें आई कैप और जे कैप के टर्म्स में नहीं चाहिए, हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म्स में इक्वेशंस चाहिए। तो इसको एक रिवर्स स्ट्रेटजी के तहत एडजस्ट किया गया है, इस पूरे चीज को हम लोग साइन थीटा इंटू आर कैप प्लस कॉस थीटा इंटू थीटा कैप लिख सकते हैं।
समझ में आया। देखिए यहाँ पे डी फाई कैप बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, इतना तो ये ऊपर से आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ के बीच में इक्वेशन का ट्रांजिशन कैसे हुआ, ये आपको एक स्टेप याद रखना पड़ेगा, आपको रिवर्स में इतना बराबर वापस इतना प्रूफ करके दिखाना होगा। तो एक काम करिए, चलिए अब यहीं पर रुक जाइए, इक्वेशन 8। अब हम लोग इतने फैक्टर, ये वाले फैक्टर को सॉल्व करते हैं, साइन थीटा आर कैप प्लस क्रॉस थीटा थीटा कैप। तो यहाँ पे आर कैप की वैल्यू यहाँ पे ये रखी गई है और ये थीटा कैप की वैल्यू रखी गई है। इस पूरे इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाद में ये पूरा सॉल्व करके ये आ गया कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप आया है, इसके जगह पे हम लोग ये फैक्टर रख सकते हैं। बस आपको रिवर्स में ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला, इसको सॉल्व करने पर ये इतना आ जाता है। क्लियर हुआ? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको ये वैल्यूज मिल चुके हैं, डी आर कैप बाई डी टी, डी थीटा कैप बाई डी टी एंड डी फाई कैप बाई डी टी। इन सभी वैल्यूज को हम लोग ले जाके इक्वेशन 3 यानी एक्सेलरेशन वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे ये वैल्यू एक पुट की गई है, एक ये वैल्यू पुट की गई है और एक यहाँ पे ये वैल्यू पुट की गई है। ठीक, अब ये तीनों वैल्यूज पुट किया गया है, इसको बकायदा आप लोग ब्रैकेट ओपन करिएगा और आपको क्या करना है, आर कैप थीटा कैप और फाई कैप के कोफिशियंट कलेक्ट करने हैं। ये जो बड़ा सा आप इक्वेशन देख रहे हैं ना, यहाँ तीन लाइन में लिखा गया, जैसे ये आर कैप का यहाँ पे है, आर कैप का यहाँ पे है, जहाँ जहाँ कहीं आर कैप दिख रहा है उसके कोफिशियंट को यहाँ पे भी है, उसके कोफिशियंट को कलेक्ट करिए और उसमें से आर कैप कॉमन लीजिए। तो ये देखिए आर कैप वाला आ गया, प्लस इसी प्रकार थीटा कैप के कोफिशियंट और फाई कैप के कोफिशियंट कलेक्ट करके ये अलग अलग लिख लीजिए। और यहाँ पे यही एक्चुअल में अब अच्छा ठीक है, ये आपने लिख लिया ना, अब इस इक्वेशन को छोटा कर दीजिए जरा। तो जैसे ये देखिए, ये डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर है तो इसको आर डबल डॉट लिखिए, ये डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर है तो इसको थीटा डॉट लिख के स्क्वायर लिखिए। इस तरह से ये इक्वेशन पहले ये वन लाइन में छोटा दिखने लगेगा, ये बन गया। और एक्चुअल में यही आपका फाइनल इक्वेशन भी है एक्सेलरेशन का। तो इस एक्सेलरेशन में ये देखिए आर कैप का कॉम्पोनेंट इतना सा, ये फिर थीटा कैप का ये इतना कॉम्पोनेंट और ये फाई कैप का इतना कॉम्पोनेंट। समझ में आया? यानी इसको अगर एक्सेलरेशन को मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व करके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखूं, ए वेक्टर इक्वल टू ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये बनेगा ए आर, ये बनेगा ए थीटा और ये बनेगा ए फाई। तो चलिए तीनों को अलग अलग करके लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों बन गया, ये हो गया ए आर, ये हो गया ए थीटा ए फाई, तीनों। ठीक है, अब अगर टोटल एक्सेलरेशन निकालना हो तो इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ले लेंगे, ये उनका मॉडुलस आ जाएगा एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ देता है इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ नहीं, फोर्स का इक्वेशन होता है जिसमें फोर्स हो। तो अगर तीनों को मैं अलग अलग लिखूँ तो एफ आर इक्वल टू एम ए आर, एफ इक्वल टू एम ए फॉर्मूला होता है ना, एम इंटू ए आर, एफ थीटा इक्वल टू एम इंटू ए थीटा एंड एफ फाई इक्वल टू एम इंटू ए फाई। तो ये तीनों इक्वेशन हमने अलग अलग इस प्रकार से ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लिए। तीनों को एक में भी लिख सकते हैं, एक में लिखने के लिए टोटल फोर्स को इस प्रकार से ऐड कर दीजिए, एफ आर इंटू आर कैप प्लस एफ थीटा थीटा कैप प्लस एफ फाई फाई कैप। अच्छा, टोटल फोर्स निकालना हो तो इस प्रकार से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये एक टॉपिक था कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है पर लॉन्ग में अक्सर ये पूछता है, ये नहीं पूछेगा तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पूछ लेगा, लेकिन इन दोनों में से कोई ना कोई टॉपिक एग्जाम में आता है। ठीक, आई होप आपको ये कैलकुलेशन बस थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है बट कठिन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको बड़े आसानी से डिराइव कर लेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।